हेलो स्टूडेंट्स, JPIC डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रासायनिक आवंधन एवं आणविक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वह है अनुनाद संरचना क्या होता है। अनुनाद संरचना, किसी एक अणु को जो है विभिन्न रूपों या उनकी संरचनाओं में जो है लिखा जा सकता है कि कोई भी एक संरचना उस अणु के सभी गुणधर्मों की व्याख्या नहीं करता है। जो सबसे अस्थाई संरचना होती है उस अणु की सबसे अस्थाई संरचना क्या कहलाती है? अनुनाद संकर कहलाती है। और जो है किसी अणु को विभिन्न रूपों अथवा संरचनाओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कोई भी एक संरचना उस अणु के सभी गुणधर्मों की व्याख्या नहीं करता है, अनुनाद संरचना कहलाती है या अनुनाद कहलाता है। जो संरचना जो है अलग अलग संरचनाओं में बनाएंगे हम किसी अणु को, तो उसकी कोई एक संरचना जो है उस अणु के सभी गुणधर्मों की व्याख्या नहीं कर पाएगी, यह क्या कहलाता है? अनुनाद संरचना या अनुनाद कहलाता है। उस अणु की सबसे अस्थाई संरचना अनुनाद संकर कहलाती है। अनुनाद संकर कहलाती है। जैसे हमारा O3 अणु है तो उसमें जो है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड द्वारा, तो यह जो पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक पाई है, एक सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यह बंध जो है सिग्मा बंध की अपेक्षा कुछ कमजोर होता है। तो यह जो है यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। तो इस प्रकार से एक संरचना इसकी ये हो गई, इसकी एक संरचना ये हो जाएगी, और एक संरचना किस प्रकार की हो जाएगी? दोनों पे लग सकता है। तो यहाँ पर हम यह जो संरचना है यह क्या कहलाएगी? अनुनाद संकर कहलाती है। और यह क्या कहलाएगी? अनुनादी संरचना। तो इस प्रकार से हम किसी भी अणु का जो है अनुनादी स्ट्रक्चर जो है अनुनादी संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अनुनादी संरचना लिखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में
अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति समान होनी चाहिए। जो परमाणुओं की स्थिति होती है, उसकी लोकेशन होती है, वह क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और विभिन्न अनुनादी संरचना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए जो केवल स्थिति में भिन्न हो सकते हैं। स्थिति में भिन्न हो सकते हैं। एक अणु के लिए सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान होनी चाहिए। जो है सभी जो अनुनादी संरचनाएं हैं, ये किसी एक अणु के लिए सभी अनुनादी संरचनाओं की जो ऊर्जा होती है वह क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। सभी अनुनादी संरचनाओं में समान आवेश संलग्न परमाणुओं पर नहीं रखे जा सकते। ये हमारे कंडीशंस हैं कि सभी अनुनादी संरचनाओं में समान आवेश संलग्न परमाणुओं पर जो है नहीं रखा जा सकता। जो है परमाणु जुड़े हुए हैं उन पर सभी पर जो है समान आवेश नहीं हो सकता है। तो ये हमारे अनुकूल परिस्थितियां हैं किसी भी अणु की जो है अनुनादी संरचना लिखने के लिए। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज है। यह हमारी जो है अगर इसकी अनुनादी हम संरचना लिखेंगे तो यह हो जाएगा CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे क्या हैं? एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। और इनकी जो अनुनाद संकर बनेगा वह बनेगा CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? और दोनों पर डेल्टा प्लस। यह क्या है? हमारा अनुनाद संकर है। इसी प्रकार से अगर हम O3 का स्ट्रक्चर अभी आपको बनाया कि दिखाया गया था कि ये O सिंगल बॉन्ड O, इसका अगर हम अनुनादी संरचना बनाएं तो O डबल बॉन्ड O। ये देखिए यहाँ पर जो परमाणुओं की स्थिति है वो समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसकी स्थिति जो है बदल सकती है अनुनादी संरचनाओं में, लेकिन संख्या जो है बढ़ और घट नहीं सकती है। इनका अनुनादी संकर जब बनेगा तो ये ऑक्सीजन, यह हो गया हमारा अनुनादी संकर। इसी प्रकार से CO3- का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो हमको जो है पिछले क्लासों में जो है हमने आपको किसी भी अणु की संरचना, अणु या आयन जो होते हैं उनकी संरचना के बारे में बताया था, उस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर O-
अब इसका अगर हम अनुनादी संरचना बनाएं तो ये डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस ये बन गया। दूसरी अनुनादी संरचना इसकी बनेगी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस और इसका अनुनादी संकर जो बनेगा वह सी यह तीनों पर जा सकता है इसलिए डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। इस प्रकार से अनुनादी संरचना आप बना सकते हैं। इसे सी एच टू प्लस अब इसकी अगर अनुनादी संरचना हम बनाएंगे तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन जो है इसको दान करेगा तो यहाँ से प्लस चार्ज जो है हट जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन देता है वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है तो इसकी पहली जो अनुनादी संरचना बनेगी वह बनेगी डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस ये और ये पहली अनुनादी संरचना है। दूसरी अनुनादी संरचना जो बनेगी वो ये इलेक्ट्रॉन जो है दान करेगा यहाँ पर तो यहाँ पर जो है प्लस चार्ज आ जाएगा प्लस ये बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो गया डबल बॉन्ड सी एच टू और यहाँ भी एक बॉन्ड है। अब यह बॉन्ड जो है यह इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा तो तीसरी जो अनुनादी संरचना है इसकी वह इस प्रकार से बनेगी प्लस डबल बॉन्ड सी एच टू। अब जो है यह जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ से ये गया था फिर से यहीं जो है इसको दे दिया तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा फिर से वहीं पर चला जाएगा तो ये सी एच टू। अब इसका अगर अनुनादी हम संकर बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा और डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस सी एच टू और अगर हम यहाँ पर ना लगाएं प्लस तो यहाँ पर भी हम प्लस लगा देंगे तो ये हमारा माना जाएगा कि यहाँ यहाँ पर जो है आंशिक धनावेश है। तो इस प्रकार से यह क्या है ये अनुनादी संरचनाएं हैं अनुनादी संरचना और ये हमारा क्या है अनुनादी संकर है अनुनादी संकर। यह किसी भी अणु की जो है सबसे अस्थायी संरचना मानी जाती है। अनुनादी ऊर्जा अनुनादी ऊर्जा जो विभिन्न प्रकार के किसी अणु की जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता है और जो उनकी उनका जो है अनुनादी संकर बनता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों के जो चार्ज होते हैं उनका जो है इलेक्ट्रॉन आवेशों का फैलाव होता है। सर्वाधिक अस्थाई अनुनादी संरचना स्थाई अनुनादी संरचना तथा संरचना तथा अनुनादी संकर अनुनादी संकर की ऊर्जा का अंतर की ऊर्जा का अंतर अनुनादी ऊर्जा कहलाता है अनुनादी ऊर्जा कहलाता है अनुनादी ऊर्जा कहलाता है। सर्वाधिक स्थायी अनुनादी संरचना जो होगी और उस अणु का जो अनुनाद संकर होगा उनकी ऊर्जाओं का अंतर ही क्या कहलाता है अनुनादी ऊर्जा कहलाता है। अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होने पर अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होने पर वह संरचना अधिक अस्थाई होती है अधिक अस्थाई होती है
होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, एक ध्रुव के आवेश, ध्रुव के आवेश तथा दोनों ध्रुवों के, तथा दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई, बीच की लंबाई के गुणनफल को, के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। म्यू बराबर क्यू इंटू डी, जो इनके बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, यहाँ मान लीजिए डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, तो इनके बीच की जो दूरी है डी, वही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। इनके बीच की दूरी को जो है द्विध्रुव आघूर्ण को, द्विध्रुव आघूर्ण को डीवाई में नापा जाता है, डीवाई, डीवाई में नापा जाता है, मापा जाता है। एक डीवाई बराबर होता है 3.33 × 10⁻³० कूलाम मीटर, कूलाम मीटर होता है। यदि म्यू का मान, यदि म्यू का मान शून्य होता है तो, शून्य होता है तो वह अणु क्या होगा, अणु अध्रुवीय होगा, अध्रुवीय होगा। तथा यदि, यदि म्यू इक्वल टू जीरो से अधिक है, से अधिक है तो, है तो वह अणु, वह अणु ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय होगा। स्टूडेंट्स, जो है यदि म्यू का मान जो है शून्य से, शून्य आता है या शून्य से कम आता है तो वह क्या होगा, अध्रुवीय अणु होगा। और यदि जो है द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य से अधिक आता है तो वह जो है अणु जो होगा वह ध्रुवीय होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए।